हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरे गले में बहुत ज़्यादा बैठ गए, आपको पता ही चल रहा होगा ना ज़्यादा बोलने की वजह से। आज है रिसेप्शन और हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में मेरी सिस्टर के। तो मैंने शादी वगैरह का ब्लॉग तो कुछ शूट किया नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था, बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा शेड्यूल। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको रिसेप्शन का ब्लॉग दिखाऊं। तो अभी हम लोग रास्ते में वहाँ पहुँचते हैं, आपको दीदी से भी मिलवाते हैं, जीजू से भी मिलवाते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे कैसे होता है सब कुछ। चलो, मेरे काम का मतलब का सामान है। इतनी दूर पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा। इतनी दूर अयोध्या आएंगे, मैं टाइम कैसे कटेगा बता दीजिए वीडियो में। बहुत अच्छा भाई, नंदनी ने गिफ्ट दिया है हमको मेरा टाइम काटने के लिए। ये बात है, हम तो लेके गए। सफर कैसे कटेगा आखिर? उसने पूरा विशेष ध्यान रखा है इस चीज का कि अकेले आएंगे तो बोर हो जाएंगे। म्यूजिक साथ देगा, सुनेंगे, बढ़िया म्यूजिक लगेगा। खुलने से नहीं, टेप लगा है। देखो भाई, ये बोट्स का है। इसमें भी लगा है, वो पन्नी है, पन्नी है, साइड साइड से निकलेगा। नहीं है ये है। इसका चार्जिंग वाला भी दिया है, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज नहीं, चार्जर तो है मेरे पास, चार्ज करना नहीं, मतलब होगा इसमें, देते हैं सब दिया है, इसी से चार्ज करिएगा। अच्छा गिफ्ट है भाई। हम लोग पहुंच गए के घर, कैसा लग रहा है? और सुबह 12 बजे के निकले हम लोग, पहुँच रहे 7 बजे, लेकिन हम लोग को घर नहीं मिल रहा है। ये गली नहीं है, मम्मी कह रही है ये गली नहीं है। लेट्स सी, घर ढूंढ लेते पहले। बड़े पापा आए नहीं? बड़े पापा ऊपर ले जाओ, अभी से पियो जाओ। ऊपर कैसे आ पाएंगे अपनी जगह? नहीं आ पाएंगे। अरे तो आप बैठिए। नहीं नहीं, वो अकेले थोड़ी रहे। खा लीजिए, हम खा लिया। अरे बैठिए, तो मैं खा लिया। अरे बैठिए, फोन पे बात कर रहे थे। जी जी हम सब जगह रे।
तो गाइस हम अपनी दीदी से मिल लिए और अब वो खाना खा रही है। मैं ज़्यादा यहाँ पे व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं डांस किया जीजू के साथ, वो मैं आपको जरूर डालेंगे। हाँ वो जरूर। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। और गाइस कमेंट करके बताना तो अच्छा लग रहा था। क्या करना, तो तुम्हें जीजू मिल गया, हम लोग को कहाँ याद करोगी जीजू। हाँ तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरी दीदी का रिसेप्शन हो, कुछ ही दिनों बाद हम लोग आएंगे विदाई कराने। भी नीचे बात हो रही थी, देखते हैं डेट वेट पड़ेगी तो विदाई कराने आएंगे, फिर दीदी होली घर पे बनाएगी, बहुत सारी मस्ती करेंगे। और गाइस शादी का व्लॉग मैंने कोई प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया है, लेकिन कुछ अच्छा सरप्राइज रखना दीदी के लिए। सब बता दो इसमें, तुम मेरा कुछ सरप्राइज ही नहीं रहेगा गाइस, ये सब बोल देती है, मैं क्या करने वाली हूँ ये सब बता देगी। और व्लॉग पसंद है क्योंकि व्लॉग से कुछ है ही नहीं, मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया यहाँ का, थोड़ा बहुत डांस भी आपको दिखा देंगे। और शादी का वीडियो भी आएगा, पहले आप रिसेप्शन का वीडियो देख लो, मैं आपको उल्टा वीडियो दिखाई, ये रिसेप्शन का वीडियो पूरा बन चुका है। और शादी का वीडियो बनाने में मुझे भी सबसे वीडियो की क्लिप मांगनी पड़ी क्योंकि मेरे पास कोई भी क्लिप है नहीं, मैंने अपने फ़ोन से एक भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, तो इधर उधर से मांग के मैं मैनेज करके कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगी जब फ्री हो जाऊँगी। खाना खाया कि नहीं? वो कौन वही सब लोग खा ली खाना नहीं तुम्हारे साथ खाते हो वो जीजू? नहीं जीजू नहीं खाया। क्यों? जीजू बिजी है, बट उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे साथ डांस किया, भिजवा दिए ना, हम बोलने जा रहे थे लेकिन उन्होंने भेजा। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरी दीदी की खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी मेरी दीदी की शादी की। तो गुलाब जामुन खा लो यार, बाय।